Yesterday we were doing exercises of chapter tribes, nomads and settled communities. And we have done these topics, what kinds of exchanges took place between nomadic pastoralists and settled communities. We have done, इसमें आपने ये बताना what kind of exchanges, कैसी goods वो एक दूसरे से exchange करते थे, ठीक है ना? First of all, you will write about nomadic pastoralist. Nomadic pastoralist gave, क्या क्या वो देते थे उनको, milk, ghee and wool, etc. to settled communities and in return, they got, क्या मिलता था उन्हें? Food grains, clothes, utensils from settled communities. Now is it clear? आपने बताना है कि वो क्या nomadic pastoralist क्या देते थे और बदले में उन्हें settled communities कौन सी ऐसी goods provide करती थी. Now is it clear? So this type of system was known as barter system. ना goods exchange करना है इसको barter system कहते थे कि without using money goods exchange हो रही है ना. Next, how was administration of a home state organized? तो इसपे हमने बताया कि homes जो थे ना, ये लोग dependent upon forced labor known as pigs, ठीक है? इनकी administration कैसी थी? Quite centralized. Their administration was quite centralized. फिर आपने बताया था कि society was divided into clans or tribes, and these people, they worshipped their own tribal gods and goddesses. They worshipped their own tribal gods and goddesses. हमने ये भी एक पढ़ा था कि they adopted Hinduism, but still they followed their own traditions. Now is it clear? Next, changes took place in Varna based society. इस question का तो answer ही first point में सा, एक first point जिसको आ गया ना उसको प्रॉब्लम ही नहीं आनी. आपने बताना है वर्ना बेस्ड सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना. यस्टरडे आई टोल्ड यू ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्यज एंड शूद्र. अब इसमें से ब्राह्मण्स को नंबर वन पे ले लो. आप बोलोगे कि ब्राह्मण्स वर पावरफुल, दे फ्रेम्ड रूल्स, एक पॉइंट बन गया. सेकंड में बताओ क्षत्रिया ले लो आप, क्षत्रियाज फॉलोड द रूल्स मेड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है. फिर आप बताओ के शूद्रास के बारे में बताओ, शूद्रास लेड मिजरेबल लाइफ इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी, क्योंकि आपने वर्ना बेस्ड सोसाइटी ही लिखना है. शूद्रास लेड मिजरेबल लाइफ इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी बिकॉज देयर वाज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. ऐसी सोसाइटी में रिच एंड पुअर में गैप था. अब ये देखो मैंने कितने इजी फाइव पॉइंट्स बना दिए. फर्स्ट इज वर्ना बेस्ड सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सच एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. पहले नंबर वन पे किसको लेना आपने? ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स फ्रेम रूल्स, दे वर पावरफुल. ब्राह्मण्स वर पावरफुल एंड दे फ्रेम रूल्स, हो गए. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप बताओगे क्षत्रियास फॉलोड रूल्स फ्रेम्ड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है. फोर्थ पॉइंट में आप बता दो के शूद्रास, शूद्रास लेड इन वर्ना बेस. एंड फिफ्थ पॉइंट में बता दो देयर वाज गैप बिटवीन. अब अपने आप देखो जिसको फर्स्ट पॉइंट आ गया उसने तो अपने आप बना देने हैं. और वैश्यास के बारे में लिखना है, अगर आपको लगता है कि उनके बारे में भी आप एक पॉइंट फ्रेम कर सकते हो, देन यू कैन राइट कि दीज वर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड प्रोवाइडेड गुड्स टू द पीपल. ये ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे और ये लोगों को गुड्स प्रोवाइड करते होते थे, ठीक है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, How did tribal societies change after being organized into a state? अब एक मिनट, ट्राइबल सोसाइटीज कैसे उसमें चेंजेस आए? क्या वो पावरफुल हुई क्या वीक हुई? आप बताओ ट्राइबल सोसाइटीज पावरफुल हुई है क्या वीक? होम्स एंड गॉन्ड्स पावरफुल थी क्या वीक? वेरी गुड, ही इज गिविंग करेक्ट आंसर. योर नेम इज अगम. अगम इज गिविंग करेक्ट आंसर के बोथ वर पावरफुल. तो हमने यही, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट. ट्राइबल सोसाइटीज पावरफुल हो चुकी थी, दे बिकेम मोर पावरफुल. अब एक मिनट, गॉन चीफ, गॉन चीफ्स रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स.
गॉन चीफ्स रिकॉग्नाइज्ड एज, याद आ गया गॉन चीफ्स क्या रिकॉग्नाइज्ड एज? अब बताओ एक चीफ का नाम अमनदास, अमनदास गॉन राजा अज्यूम द टाइटल ऑफ, टेल मी द टाइटल अज्यूम्ड बाय संग्राम, वेरी गुड, गॉन राजा अमनदास, गॉन चीफ अमनदास या गॉन राजा अमनदास अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह एंड हिज सन दलपत मैरिड राजपूत प्रिंसेस दुर्गावती, his son married Rajput princess. In this way, Gonds established matrimonial alliances with Rajputs. Marriage relations, marriage से जो relations बनते हैं, matrimonial alliances हुए उनके किन के साथ? Rajputs के साथ. तो powerful ही हो गए ना, जो Rajputs के साथ ही जाके मिल गए. कहाँ वो tribal थे, अब वो किसके साथ मिल चुके थे? Rajputs. तो ये ही आपने इसमें बताना है. Question is, how did tribal societies change after being organized into a state? Started from the question, tribal societies became powerful after being organized into a state. इतना आ गया? Tribal societies क्या हो गई? Hurry up, tell me. Tribal societies became. No, from the question, tribal societies became powerful after being organized into a state. अब second point बनाओ. Hurry up. Gone chiefs recognized as, gone chiefs recognized as, अब नाम बताओ उसका. अमनदास गॉन राजा assumed the title of संग्राम शाह. His son दलपत मैरिड राजपूत, साथ में मेंशन करना है राजपूत प्रिंसेस, तभी हम बताएंगे कि मैट्रिमोनियल. हिज सन दलपत मैरिड राजपूत प्रिंसेस दुर्गावती. इन दिस वे ट्राइबल गॉन्ट, आप ऐसे कह दो, इन दिस वे दे एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद राजपूत. मैं लिख देती हूँ मैट्रिमोनियल, एक मिनट. अब फिर बताओ, टेल मी अगेन. ये बच्चे आपने लिखने से पहले लर्न होना चाहिए. लिसन अगेन, ट्राइबल सोसाइटीज बिकेम, नो फ्रॉम द क्वेश्चन, हरी अप टेल मी. ट्राइबल सोसाइटीज बिकेम पावरफुल आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट. फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? अब आप याद करो किसको. गॉन चीफ्स रिकॉग्नाइज्ड एज, नो हिज नेम. अब बताओ उसके बारे में, अमनदास गॉन राजा अज्यूम द टाइटल ऑफ, उसके बेटे के बारे में बताओ. हिज सन दलपत मैरिड राजपूत प्रिंसेस. इन दिस वे वी कैन से देयर वर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिटवीन राजपूत्स एंड ट्राइबल्स, क्योंकि यहाँ तो ये ट्राइबल्स थे ना, गॉन्ट्स ट्राइबल कम्युनिटी थी ना ये. इन दिस वे देयर वर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिटवीन एंड ट्राइबल्स, मैट्रिमोनियल अलायंसेस डू इट मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिटवीन राजपूत्स एंड ट्राइबल्स. इज इट क्लियर? तो वो पावरफुल हो गए ना, जो राजपूत्स के साथ ही आ गए तो वो पावरफुल ही हो गए. अब आ गया क्वेश्चन, मैंने लर्न करने के लिए बोला, मैंने ये नहीं बोला कि आप लिखो. लिसन अगेन, ट्राइबल सोसाइटीज बिकेम पावरफुल आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट. गॉन चीफ्स रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स. टू पॉइंट क्लियर? फिर अमनदास गॉन राजा अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. नेक्स्ट पॉइंट, हिज सन दलपत married the Rajput princess Durgavati. In this way, there were matrimonial alliances between Rajputs and tribals. So tribals अपने आप ही powerful होंगे. जो tribals कहाँ, वो एक backward community थी, कहाँ वो Rajputs के साथ उनके हो गए relations. Now is it clear? Next is, were the Pancharas any problem online students?
नेक्स्ट वर द बंजारास इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी. एक मिनट आप मुझे इतना बताओ, आपने सड़क, आप चंडीगढ़ जाते हो, लुधियाना जाते हो, रास्ते में आपने बंजारास देखी हैं? सड़कों पे टेंट लगा के अपनी गुड्स बेच रहे होते हैं, बाथटब वगैरह होते हैं कई बार इनके पास, ऐसी वाली गुड्स बच्चों के, हाँ टेडी बियर होते हैं, बड़े बड़े टॉवल्स होते हैं, ऐसा वैसे वाले सामान होते हैं इनके पास, है ना. तो ये उतनी देर वहां पे रहते हैं जब तक इनकी गुड्स जब बिक जाती हैं, दे चेंज्ड. कौन से परमानेंट घर है इनके? परमानेंट घरों में तो नहीं ना रहते. तो ये तो अभी की बात है, अभी भी आपने बंजारास देखे है ना. पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो बंजारास के बारे में उन्होंने पूछा है कि बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी थे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल राइट यस, बंजारास वर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी बाय द फॉलोइंग वेज. पहले तो आपसे उसने यही पूछा ना कि वर बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे. यस बंजारास वर इंपॉर्टेंट फॉर बंजारास. अब पता चल गया ना, ट्राइबल कम्युनिटी है, मोस्टली राजस्थान के लोग हैं ये, गुजरात राजस्थान इस साइड ये लोग मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं. बंजारास वर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी. यस बंजारास वर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी बिकॉज, चाहे बाय द फॉलोइंग वेज चाहे बिकॉज, कैसे भी लिखो, कैसे भी आप लिख सकते हो, दे वेरी गुड, दे वर हायर्ड बाय मर्चेंट्स, दे वर हायर्ड बाय मर्चेंट्स. नेक्स्ट दे बोट ग्रेन्स, दे बोट ग्रेन्स वेयर इट वॉज चीपर, वहां से ग्रेन्स लाते थे जहां पे सस्ते होते थे, एंड सोल्ड वेयर इट वॉज कॉस्टलियर. अपने आप देखो, सस्ती चीज लाके महंगी बेच रहे हैं. दे बोट ग्रेन्स वेयर इट वॉज चीपर एंड सोल्ड इट, एंड सोल्ड वेयर इट वॉज कॉस्टलियर. लिसन अगेन, they were hired by merchants. अब ये क्या करते थे, अब ये merchants के लिए लाते थे, खुद थोड़ा अपने लिए थोड़ा लाते थे grains. they bought grains where it was and sold it and sold where it was, they bought grains where it was cheaper and sold where it was costlier. next They sold horses to the rich merchants. Next, they transported grains to the city markets. अगम कामेर. इसको मैं आपको लाइव करवा के दिखाती हूँ. अगम कामेर, इधर आओ बच्चे, आप भी आओ, आप आओ कार्तिक कामेर, बस दो बच्चे, कार्तिक एंड यू. चलो इमेजिन, इधर जो ऑनलाइन भी बैठे हैं वो भी देखो, ये मर्चेंट, ठीक है, रिच मर्चेंट है ये, एंड दीज आर, ये हैं हमारे बंजारास, ठीक है. अब इसने इनको हायर किया, इधर आ जाओ आप भी दोनों, इधर आओ ताकि बच्चों को दिखे. ये देखो, he is merchant, इसने इनको दोनों को हायर किया. Is it clear? आप देखो, हायर किया means ये किसके लिए वर्क कर रहे हैं, इसके लिए, रिच मर्चेंट के लिए. एंड ये दोनों कौन है, बंजारास, बोथ आर बंजारास, ठीक है, इसके लिए वर्क कर रहे हैं. अब क्या करेंगे, ये नहीं भेज रहा है, ये अपने लिए नहीं जा रहे, ये जाएंगे, ये क्या खरीदेंगे, फूड ग्रेन्स. इमेजिन ये उस एरिया में गए, उस एरिया में इनको पता है फूड ग्रेन्स, उस विलेज में फूड ग्रेन्स आर चीपर. ये उधर गए, इसके लिए गए, अपने लिए नहीं गए. दे बोट फूड ग्रेन्स वेयर इट वॉज, अरे आप टेल मी, दे वर हायर्ड बाय दे, अब ये गए उस विलेज में, इमेजिन they bought food grains where it was cheaper and sold it where it was costlier. उधर महंगे बिके आपके, उधर food grains नहीं है, आपने उधर जाके बेच दिए, profit किसको दिया, इसको, आपको तो अपनी salary मिल गई, जो भी इसने देनी है, profit इसे मिला, तो आपने economy में role play किया ना. next, अब और क्या बेचा इन्होंने, they sold horses to the, imagine ये rich people, चहक,
इसने इनको क्या बेचे, इनका और भी बिजनेस है, सिर्फ फूड ग्रेन्स ही नहीं है, ये सोल्ड दे सोल्ड हॉर्सेस टू द रिच पीपल और दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स। अब ये सिटी मार्केट है, दे इसके लिए जो फूड ग्रेन्स ला के बेच रहे हैं उसके अलावा ये सिटी मार्केट्स में भी जाएंगे। दे सोल्ड फूड ग्रेन्स इन द सिटी मार्केट्स आल्सो, दे सोल्ड फूड ग्रेन्स इन द। अब समझ आई, ये मर्चेंट है, इसने इनको हायर किया, काम ये इसी के लिए कर रहे हैं। इन दिस वे दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग रोल इन द इकोनॉमी। अब आ गया ये गो, अब सबको समझ आई कि अब आप इसको बोल के दिखाओ मेरे को। चलो फर्स्ट इज वर बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, यस बंजारास वर हायर्ड बाय, आ गया सबको, बंजारास वर हायर्ड बाय, दे बोट फूड ग्रेन्स वेयर इट वाज सोल्ड, वेयर इट वाज, आ गया। अब दे सोल्ड, सोल्ड के साथ एक और चीज भी बिक रही है, दे सोल्ड टू द रिच पीपल, दे ट्रांसपोर्टेड टू द सिटी, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू द सिटी। अब इनको मुगलों ने भी हायर किया था, ठीक है, आपकी बुक में नाम भी दिया हुआ है कि दे वर हायर्ड बाय, देखो किसका, अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी ने भी बंजारास वर हायर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी आल्सो, ठीक है, दे वर हायर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी आल्सो, इज इट क्लियर, क्योंकि पेपर में वन मार्क में पूछा जा सकता है हु हायर्ड बंजारास। अब मैं बोलूं बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खलजी, तो यू हैव टू राइट अलाउद्दीन खलजी, दे वर हायर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी, इज इट क्लियर। तो बंजारास प्लेड ग्रेट रोल इन द इकोनॉमी ना, क्योंकि इन्हें हायर कौन करते थे, अब ये क्या खरीदते थे, फूड ग्रेन्स, जहां पे सस्ते होते थे, बेचते किधर थे और क्या बेचते थे, हॉर्सेस, और क्या, कहां जाते थे, सिटी मार्केट्स में भी फूड ग्रेन्स बेचते थे, जो प्रॉफिट होता होगा वो मर्चेंट्स ले जाते होंगे इनसे, है ना। इट मीन्स ये क्या किसमें रोल प्ले करते थे, इकोनॉमी में, और फिर साथ में बता सकते हो यार, आपने बारे में बता सकते हो कि आई कैन गिव एग्जांपल के बंजारास वर आल्सो हायर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी, या अपना अलग पॉइंट दे सकते हो, ठीक है, इसका इसमें कोई लिंक नहीं है, बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज, लिसन केयरफुली, इन व्हाट वेज, ये आप कर चुके हो, वाज द हिस्ट्री ऑफ गॉन्ड्स डिफरेंट फ्रॉम द होम्स, वर देयर एनी सिमिलैरिटीज, ये तो मैं पहले कब से करवा चुकी हूँ आपको, आपको एक लाइन लगानी है सेंटर में, एक साइड आप पहले आप डिफरेंसेस लिखो, डिफरेंसेस या डिसिमिलैरिटीज कुछ भी, आप डिफरेंसेस लिख के पुट अ लाइन इन सेंटर, एक साइड लिखो गॉन्ड्स, दूसरी साइड ए होम्स, डू इट, एक साइड गॉन्ड्स, एक साइड ए होम्स, क्योंकि डिफरेंसेस जब भी हम करते हैं तो हम लाइन लगा के करते हैं, यू नो इट वेरी वेल ना, ऐसे करते हो ना, एक साइड एंड दूसरी साइड। अब इसको करना कितना इजी है अगर बच्चा अपना दिमाग लगाए, पहले तो इनकी प्लेस बताओ, दोनों का एरिया ही डिफरेंट डिफरेंट है, गोंड लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया इन गोंडवाना रीजन, गोंड्स लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया इन गोंडवाना रीजन, इज इट क्लियर, गोंड्स लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया ना, ये सेंट्रल इंडिया है, इन गोंडवाना रीजन, उधर होम्स लिव्ड इन ईस्टर्न इंडिया असम, ईस्टर्न इंडिया असम, इन असम, इज इट क्लियर, गोंड्स का आप बताओगे लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया इन गोंडवाना रीजन, उधर होम्स लिव्ड इन ईस्टर्न इंडिया इन असम, इज इट क्लियर, दोनों का पहले तो लोकेशन वाला दोनों ही डिफरेंट थे, एक रह रहा है सेंट्रल इंडिया में, एक ईस्टर्न इंडिया। अब अगर बच्चा कोई जिसके पॉइंट्स कम हो रहे होते हैं ना, तो वहां पे चलाकी करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा किया, बच्चा सेपरेट कर दे, गॉन्ड्स लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया ए होम्स लिव्ड इन, गॉन्ड्स लिव्ड इन गोंडवाना रीजन ए होम्स लिव्ड इन, दो पॉइंट्स बन गए ना, डिपेंड अपॉन योर विश, वैसे अभी इसको एक ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, गॉन्ड्स फॉलोड उधर ए होम्स इंट्रोड्यूस्ड राइस कल्टीवेशन,
Homes introduced. Stand up, very good girl. Your name? Akshara, very good. Akshara is giving answer, very good. Chalo. Gons followed. Homes introduced. Is it clear? Chalo. Next banao, or banao. Kon firearm use karte the aur kon nahi? So gons ka bata do, they never used. Udhar? Homes used. Wants never used. Homes used. Next. किसके किंगडम गॉन्ट्स की बड़ी थी ना क्योंकि 84 फिर बरहोट्स है ना. देयर किंगडम वाज लार्ज उनकी स्मॉल. देयर किंगडम वाज देयर किंगडम यहाँ पे देयर के कौन से स्पेलिंग आएंगे? THE IR वाले. देयर किंगडम इनके किंगडम कैसी थी? देयर किंगडम वाज ये बना दो. इनके किंगडम बड़ी थी उनकी किंगडम. देयर किंगडम वाज लार्ज. देयर किंगडम वाज स्मॉल उनकी छोटी थी. नेक्स्ट इनके किंगडम किसमें बटी हुई थी? देयर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़. देयर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू उनकी क्लैंस थे बस. Their kingdom was divided into gard. Unki. Their kingdom was divided into clans or khel. Clans or khel ek hi baat hai. Listen again. Pehle to location. Theek hai. Phir occupation. Occupation aa gaya na different. Unka occupation shifting cultivation. Unka they introduced rice. Idhar. Pehle to humne location mein differences bataye. Phir humne occupation mein bata diya. Phir humne bataya hai. Kabhi bhi firearm use. They used. इनके किंगडम छोटी बड़ी. उनके किंगडम इनके किसमें बटी हुई थी? उनकी क्लैंस और खेल. चाहे आप क्लैंस अकेला लिख दो क्योंकि एक ही बात है. देयर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़. देयर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस. अब सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज हाँ वेरी गुड. बोथ वर ट्राइबल पीपल एंड बोथ वर डिफीटेड बाय मुगल्स. चलो. Both were tribals, both were defeated by Mughals. Is it clear? Similarities में क्या बताओगे? Both were tribals, both were defeated by Mughals. Is it clear? And both were powerful tribal communities. ये भी कह सकते हो आप. ये भी similarity है क्योंकि दोनों ही powerful tribal communities थी. Both were powerful tribal communities. ये ऐसे लिख दो. Both were powerful. दोनों ही तो powerful थे. Homes and Gonds. बाकियों के बारे में आपने पढ़ा? Gokhars, Khokhars पढ़े हैं आपने? वो इतने powerful नहीं थे. Both were powerful tribal communities. Both were defeated by Mughals. तो ये उनकी similarities हैं. Is it clear? बस two are enough for similarities. Both were powerful tribal communities. Both were defeated by Mughals. Was it clear? Listen again. History of Gonds different from Ahoms. Similarities bhi hain. Ek bar main fir repeat karti hu. Gonds lived in Central India. Ahoms lived in. Gonds lived in Gondwana region. Ahoms lived in. They followed. They introduced. Very good. Their kingdom was. Their kingdom was. Their kingdom was divided into. Their kingdom was divided into. बहुत अच्छे बच्चे. Very good. अब this similarities. Both were powerful tribal communities. Both were defeated by Mughals. So. अगर एक मिनट ये तो आपको लिखने से पहले ही लर्न. अब मुझे बताओ वर बंजारा इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी? यस बंजारा वर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी बिकॉज दे वर हायर्ड बाय मर्चेंट्स. आप मर्चेंट्स ने उन्हें हायर किया तो वो कुछ काम करते होंगे ना बच्चों उनके लिए. कहाँ जाते थे? दे बोट फूड ग्रेन्स वेयर इट वॉज एंड सोल्ड वेयर इट वॉज. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट. दे सोल्ड हॉर्सेस टू द रिच. Alauddin Khalji also hired Banjaras. So is it clear?
Tribal society changed after being organized. Tribal society became powerful after being Gond chiefs recognized as Aman Das assumed Gond Raja. Aman Das assumed the title of his son Dalpat married Rajput princess Durgavati. In this way, there were matrimonial alliances between Rajputs and tribals. अब जिसमें मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गए, इट मींस ट्राइबल, कहां वो ट्राइबल थे, वो राजपूत के साथ उनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गए, मींस वो पावरफुल बन गए. इज इट क्लियर? तो सबको आ गए. बाकी क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे, आपको मैंने फिर भी रिपीट किए. इज देयर इज एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स? इज देयर इज एनी प्रॉब्लम? नो. लिसन स्टूडेंट्स, योर हिस्ट्री इज कंप्लीटेड एंड फ्रॉम मंडे we will start civics. Listen students, in this term we will do only, listen carefully, in this term you are having, listen carefully, three chapters of history you have done. One of civics, that is understanding media. Theek hai, isme aapne, because we are living in a democratic country na, so in our country what role is played by media? Hamari country mein media is totally independent. Humne sara yahi padhna hai, theek hai. तो नेक्स्ट फिर हमारे होंगे दो चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, और ये आपका पीटी 3 का सिलेबस है. ज्योग्राफी के दो चैप्टर्स हम करेंगे एंड वन फ्रॉम सिविक्स. नाउ इज इट क्लियर? इट मींस सिक्स चैप्टर्स फॉर पीटी 3, ठीक है. फिर फाइनल में तो हिस्ट्री आपकी काफी हद तक नहीं है ना, तो एक ही चैप्टर है शायद, फिर हम ज्योग्राफी एंड सिविक्स सब करेंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको वैसे क्लास ग्रुप में एक बार सिलेबस भेज दिया जाएगा, ठीक है, पीटी 3 का. थ्री चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, वन ऑफ सिविक्स, नेक्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड टू ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है. तो सिक्स चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पीटी 3. नाउ इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?